हरियाणे तो वो सिर्फ 2 मिनट वास्ते अपनी हाजरी लाउणगे। इन्हां तों बाद रजिंदर सिंह जी दीप सिंह वाला जिहड़े किरती किसान यूनियन किरती किसान यूनियन के सूबा मीत प्रधान ने वो तैयार रहन जी। बीबी डॉक्टर वेद कौर रिटायर प्रोफेसर हरियाणे तो। हाँ जी हुण मैं बेनती करदा रजिंदर सिंह जी दीप सिंह वाला मंच ते आउण ते अपनी गल तुहाडे नाल सांझे करन। इन्हां दा समां 10 मिनट दा। इन्हां तों बाद सुरजीत सिंह जी फूल जिहड़े भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी दे सूबा प्रधान ने वो तैयार रहन जी। तो वीरो बजुर्गो सब तो पहला फतेह प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साडे तमिलनाडु दे वीर ते भैन अपने वारी दुनिया ने देख लिया एक संघर्ष के दौरान। आप 26 जनवरी नू दिल्ली दे विच जिहड़ी किसान परेड करन जा रहे हैं और उहदे बारे जिहड़ा उत्साह वो इन्ना कमाल दा कि सैज सरकारां नू ते इन्हां दीआं जिहड़ीआं इंटैलीजेंसियां उहनां दे वी ध्यान च ना होवे जां उहनां दे वी गेड़ च ना आवे कि किन्ने लोक आ रहे आ। 21 ते 22 तरीक तो दिल्ली दे बार्डरां ते लखां लोग पहुंचने शुरू हो जाने आ, पर इत्थों दी जिहड़ी केंद्र सरकार आ ओह साडे उस किसान परेड ते रोक लाउण दे लई सुप्रीम कोर्ट च पहुंच चुकी आ ते सुप्रीम कोर्ट दे विच कल नूं जिहड़ी आ सुनवाई आ, पर ओह शायद भुल गए कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का की हशर होया। ओहो हशर थोड़ियां रोकां दा होना। किसान परेड दिल्ली दे विच होनी आ, इह तय आ, इस देश दे लोग तय कर चुके आ। पर जिहड़ियां पाबंदियां लाउण की गल चल रही आ ओह उस दिन पाबंदियां लाउण की गल चल रही आ जिस दिन इस देश की राजधानी दे विच गणतंत्र दिवस मनाया जाना। भी 26 जनवरी 1950 नूं देश का संविधान लागू होया सीगा और उसे संविधान की यह दुहाई दिंदे आ कि लोकां नूं बोलण दा विरोध करन दा ते कट्ठे होण दा अधिकार आ। उसे दिन ही साडे ते रोक लाउण दीआं जिहड़ीआं इजाजतां लैण वास्ते इह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए आ। इस देश दे विच बड़ा प्रचारिया गया कि दुनिया की सब तो वड्डी जिहड़ी डेमोक्रेसी इत्थे आ, पर यह डेमोक्रेसी का नकाब किवें दिन प्रतिदिन लैंदा गया यह सारिआं ने असीं देखिआ। साडे बजुर्ग बैठे आ, साडीआं मावां भैणां बैठीआं ने, तुहाडे चों बहुतिआं ने देखिआ होणा कि रोडवेज दीआं बसां दे विच कुछ साल तक पहलां 1-2-3 सीटां MLA MP वास्ते लिखिया हुंदा सी, शायद पढ़िया होवे तुसीं। उदों साडे मजारे चंडीगढ़ विधानसभा दे गेट तक जांदे सी, पर हुण ना तां बसां ते लिखिया हुंदा कि MLA MP वास्ते 1-2-3 सीटां। उहनां दे बाहर तां उहनां नूं जे मिलना भी होवे ता पिंडां दे कहिंदे कहाउंदे लोग कुत्ते आंगू लैणां च लगे हुंदे आ ते सारा सारा दिन पैर मिधदे रहिंदे आ। ते हालत इह बण गई कि चंडीगढ़ दी विधानसभा तो साडे धरने मटका चौंक च आ गए, मटका चौंक चों शमशान घाट च, ते हुण इह आ कि असीं अपने सूबे की राजधानी च धरना लाउण जा नहीं सकदे। इस डेमोक्रेसी का जनाजा इह कढ़िया कि जदों कोई वड्डा लीडर जित जांदा तां उह वी कहिंदा कि मेरे शहर च नहीं वड़ना किसे ने। पंजाब दे 2 शहरां दी उदाहरण थोड़े सामने आ। बठिंडे तो बीबी हरसिमरत कौर बादल जित्ती, बठिंडे च धरने मुजहरे लाउणे बैन हो गए, हजारां परचे उत्थे धरने मुजहरे लाउण वालिआं ते होए। इह आ इहनां दी डेमोक्रेसी। कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री बन गए, पटियाले च हजे तक धरने मुजहरे लाने बैन आ। जिहड़ा धरना मुजहरा उत्थे करदा रोकां तोड़ के जांदा, 144 तोड़न दे परचे जिहड़े उहदे ते हुंदे आ, साडे सारिआं ते होए वी ने। इह डेमोक्रेसी आ इहनां दी कि दावे बहुत वड्डे कीते जांदे आ,
एसो डेमोक्रेसी जे दावा किया जाता कि भी तुसी चुनदे हो तुसी सरकारां चुनदे हो। मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदे असी कि अरुण जेतली जिहड़ा अमृतसर तो चोण हार गया सी ओ देश दा खजाना मंत्री बनिया, हुण जिहड़ा अमृतसर तो चोण हारिया होया हरदीप पुरी ओ शहरी हवाबाजी मंत्री बनिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी किसी पिंड दा पंचायत मैंबर तक नहीं बनिया, एक भी चोण नहीं जित्ती, 10 साल प्रधानमंत्री रह गया। कौन कहिंदा चुणदे असी? एक तमाशा किया जा रहा पूरी दुनिया दे विच के जेड़े हार जांदे आ उन्हां नूं राजसभा दे राही जो कुछ मर्जी बना दिता जांदा, और ये तमाशे नूं समझण दी जरूरत आ। ते जदों लोग इकट्ठे हुंदे आ, लोग कुछ गल कहना चाहुंदे आ, तां फिर ये कहा जांदा कि इत्थे अमन कानून नूं जिहड़ा ओह खतरा, इस देश की जिहड़ी डेमोक्रेसी आ कहनू यह आ कि तुसी चुनदे हो। लोग यह समझते कि पार्लीमेंट देश नू चलाउंदी आ, पर कल तुसी अखबारां च बयान पढ़िया होना कमंत्री मुद्रा कोष का, इंटरनेशनल मोनिटरी फंड का, जिन्हां ने कहा कि जिहड़े 3 कानून आ यह बहुत चंगे आ ते जरूरी आ। हुण इस गल तो अंदाजा लगा लो कि देश दे हाकम कानून किन्ना नहीं बनाउंदे आ। दुनिया दीआं वड्डीआं ओह साम्राज्जी कंपनियां वास्ते, ओह वड्डे अंतरराष्ट्रीय अदारिआं वास्ते, इस करके उहनां दा बयान उदों आया जदों उहनां नूं लग्गिआ कि मोदी हुण डोल ना जावे। आपां कहिंदे कि पूरी दुनिया च साडे घोल नूं हमायत मिल रही आ, उन्हां नूं भी पूरी दुनिया के वड्डे जिहड़े साम्राज्जी अदारे आ उन्हां दी हमायत मिल रही आ, और उन्हां दे करके जिहड़े इह कानून बनाए जा रहे आ। इस देश की पार्लीमेंट दे विच तमाशा हुंदा, राजसभा च जो कुछ होया सारिआं ने देखिआ कि बीजेपी घट गिणती च और उत्थे फिजिकल वोटिंग नहीं हुंदी, वॉइस वोटिंग हुंदी आ, और अज तक नहीं सानू दस्या गया कि राजसभा दे विच इस कानून के पक्ष च किन्नियां वोटां पईआं ने। ये डेमोक्रेसी के नाते एक गुंडागर्दी चल रही हैगी आ, और उही गुंडागर्दी जिहड़ी आ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई आ, और इस देश दे जिन्ने अदारे आ एक तो बाद दूजा वह लोगों की थां ते इस देश दे हाकमां दी कठपुतली बनिया होया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब ने देखिया कि 4 बंदियां दी उन्हां दी कमेटी बनाती जिहड़े चार ही उन्हां दे टुकड़ बोच आ, चारे खेती कानूनां दी तारीफ करन वाले आ। ते आ परसों दे NIA वल्लों नोट्स कढ़े जा रहे आ किन्नां लोकां नूं जिहड़े इस संघर्ष की हमायत कर रहे आ, और शर्म इस पद्धर तक नरेंद्र मोदी ने लाई आ कि साहिबजादियां दी शहीदी वाले दिन घरे गुरबाणी का कीर्तन करवाउंदा, पर दूजे पासे नोट्स उन्हां लोकां नूं कढ़िया जा रहा जिथे जिहड़े इत्थे लंगर ला रहे आ। लंगर लाउण वालिआं नूं नोट्स कढ़िया NIA वल्लों। NIA वह एजेंसी आ जिहड़ी इह पड़ताल करदी आ कि इह गतिविधियां देश द्रोही आ जां देश दे खिलाफ आ। जे लंगर लाउणा देश द्रोह होना, देश दे खिलाफ होना, तो असी हर वार देश द्रोह करांगे, जम जम देश द्रोह करांगे। साडा लंगर लाउण दा देश द्रोह पूरी दुनिया च जाणिआ जांदा, असी तुहाडे दे लंडू नोट्सां दा परवाह नहीं करदे गे, और कल तय कर चुके हां कि तुहाडे नोट्स साडी जुत्ती दे ज्यादा ते तुहाडा दफ्तर जुत्ती दे ज्यादा, कोई तुहाडे दफ्तर च नहीं आऊगा जवाब देण। और जेड़ा तुसी गणतंत्र दिवस की परेड करनी आ, बहुत लोगों ने प्रचारिया कि राजपथ ते ट्रैक्टर चलन गए, असी थोड़ी कोई परेड नहीं डिस्टर्ब करनी गी, असी अपनी परेड करके दिखाउणी आ और करके दिखाउणी आ कि थोड़े तो 1000 गुणा वड्डी सी साडी परेड। पूरी दुनिया ने देखना उस दिन, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरे देश के दे मीडिया की निगाह उस दिन दिल्ली ते होनी आ, और
जेड़े दुनिया भर च साडा भारती भाईचारा बैठा जेड़ा साडे पक्ष च हा दा नारा मार रहा ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ 26 ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਛਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 26 ਨੂੰ मोदी मोदी करवाना चाहते हैं पर 26 नूं दिल्ली च ते दुनिया च किसान किसान होना हैगा। पिछले दिनी खेतीबाड़ी दे बहुत उगे पत्रकार पी साई नाथ जिन्हां नूं पहला सुप्रीम कोर्ट च कमेटी च पाउण ते भी चर्चा आई। चंडीगढ़ एक सैमीनार च उन्होंने बड़ी कमाल दी गल कही कि पीपल्स आर रिकलेमिंग द रिपब्लिक के इथों दे लोग जनतंत्र दी जड़ा हैगा मुड़ कलेम कर रहे हैं और वह जनतंत्र किदन कलेम करनगे जिदन सड़क दिल्ली दियां सड़कां ते शिकाट पाउणगे साडे ट्रैक्टर। उस दिन असी तुहाडियां उह सारियां धारनावां के धरना लाउण लई इजाजत लई दी हुंदी आ धरना 144 लग जे नहीं लाईदा हुंदा तुहाडियां सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਂਗਾ। 26 ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਓ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ अपने ट्रैक्टर अपने ट्रालियां जिमें हिटलर नू दुनिया च हराया मोदी खिलाफ इस फाशीवाद के खिलाफ लड़ाई का चिन्ह जिहड़ा वह ट्रैक्टर बन के उभरिया ते साडियां ट्रालियां साडे मोर्चे ते साडे बैंकर बन के उभरियां ने। इस करके इन्हां नू हराउणा पहला इन्ने बार्डरां ते इकट्ठे हो जाओ के बैरीगेड आनने अपने आप पासे कर लेने आ। जो लोगों का हड़ आउंदा इतिहासक लहरां हुंदियां उहदे च बैरीगेटां की चर्चा करन की लोड़ नहीं हुंदी गी, राह आपे बन जांदे आ लोगों के हड़ अगे। और बनूंगा एक चीज तो लाल ट्रेन की कोशिश आ और उह सरकार नूं असीं चेतावनी भी दिंदे आ कि साढ़े इन्हां मोर्चियां दे विच जे कोई शरारतबाजी होई या शरारतबाजी करन दी कोशिश कीती पहली तां गल असीं अलर्ट रहिए, इस तरह के बंदियां तो निगाह रखिए पूरी। ये 25 तो या 26 तो पहला कोई करतूत कर सकदे आ, जे होई तां असीं इस माध्यम राही कहना चाहुंदे आ कि 3 बंदे जिम्मेवार होणगे, मोदी अमित शाह एक निकर टोला आरएसएस वाले, ये तीनों बंदे खबरदार रहन कि वो इस किसान लहर दे नाल पंगा ना लैन और जिन्नी जल्दी हो सके इन्हां कानूनां नूं रद्द करना। जिन्नी देर होगी तुहाडा नामो निशान उन्ना ही इस देश की धरती तो मिटूगा। इन्नियां बेनतियां दे नाल ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।